Class 11 students, welcome back to this English online classes. Today again we are going to see the Hornbill book, and today we'll see the first story of the book, and it's quite interesting. Let's see. So the first story of your book is the portrait of a lady. Portrait matlab picture of a lady, aur isko likha kisne hai? Khushwant Singh ne likha hai. Let's see something about Khushwant Singh. Let's go a bit fast so that we can give more time to the story. खुशवंत सिंह, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, कुशल सिंह था, ये फेबररी 2nd 1915 में बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ हुई मार्च 20, 2014. ये इंडियन ऑथर थे, लॉयर, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, बहुत सारे काम इन्होंने किए. और इनका क्योंकि एक्सपीरियंस, एज यू कैन सी द टाइम ड्यूरेशन, तो ये पार्टीशन ऑफ इंडिया और फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में भी थे, तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने कई सारी स्टोरीज लिखी. ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी इन्होंने 1956 में, जिस पर एक मूवी भी बनी है. और खुशवंत सिंह, पद्म भूषण मिला है इनको, और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है. सो ही हैज़ गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑल्सो ही गॉट. ऑल्सो ही हैज़ रिटन सी समथिंग अबाउट हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ब्लू स्टार. ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पता है? अगर नहीं है तो गो एंड सी अमृतसर में कैसे सिख जो पंजाबीज थे उनके अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार, मतलब कुछ तो रायट्स थे. दैट यू हैव टू सी, आई वोंट टेल दैट. सो दिस इज द डिप्लोमैटिक पर्सन खुशवंत सिंह. तो आप बहुत ही लकी हैं कि इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं. ये जो स्टोरी है वो इंस्पायर्ड है कैसे हमारे जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें, कैसे पेरेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, बच्चे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से सेपरेशन फील करते हैं. तो ये सारी चीज़ें स्टोरी में पोर्ट्रे की हुई है. तो पोर्ट्रेट लेडी की, कौन थी लेडी, जो खुशवंत हैं जो यहाँ के नारेटर हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में बताया है. कैसे जो ऑदर हैं उनका रिलेशनशिप रहता है उनकी ग्रैंड मदर के साथ, और कैसे टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है, वो डिस्क्राइब किया. सो ये है आपकी लेडी जिनका पोर्ट्रेट है, जिसके बारे में बात की हुई है. और ये डेली एक्टिविटीज़ बताते हैं कैसे उनकी डेली एक्टिविटीज़ और डे टू डे लाइफ इफ़ेक्ट हुई जैसे कि ये बच्चा ग्रो होता गया. यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है ये जो ऑथर हैं, जो नारेटर हैं, उनके चाइल्डहुड से, और फिर जो ग्रोइंग फेज़ रहता है उनकी लाइफ का, जब वो स्कूल स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन जाते हैं, फिर ग्रोन अप हो जाते हैं, जॉब करके वापस आते हैं, और तब तक बताया जब तक कि इनकी ग्रैंड मदर की डेथ नहीं हो जाती है. सो लेट्स सी द स्टोरी. द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज इट पोर्ट्रेट्स द इंडियन सिनारियो, कैसे इंडियन सिनारियो में ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या जगह है उनकी, और उनको कैसे लोन फील होता है जब छोटे बच्चे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े होने लगते हैं. दैट वील सी हियर इन दिस स्टोरी. जो थीम है स्टोरी का, एज एवरी स्टोरी किसी थीम के बेसिस पे लिखी होती है, उसका कोई मोटिव होता है, आपको कुछ समझाना होता है. इस स्टोरी का भी थीम है कि कैसे इस स्टोरी में इनोसेंस बताया हुआ है. जो बच्चा है वो जब अपने चाइल्डहुड में रहता है तो उसका इनोसेंस ही बताया है, कैसे उसकी मासूमियत बताई है. फिर उनका और उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप बताई है, उनका लव, उनका कनेक्शन. फिर उनके ग्रैंड मदर की काइंडनेस बताई है. आप देखेंगे स्टोरी में कि जो ग्रैंड मदर है वो रास्ते में डॉग्स और एनिमल्स को फीड करते हुए जाती थी उनके बचपन टाइम में, जब वो लोग विलेज में हुआ करते थे. फिर सेल्फलेसनेस के बारे में बताया, कैसे ग्रैंड मदर अपने बारे में ना सोचकर अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सोचती हैं, उनको बड़ा करती हैं. ये जो नारेशन है ये फर्स्ट पर्सन में है, ये अननेम्ड नारेटर है, जो स्टोरी में नारेटर है उनका नाम नहीं लिखा हुआ है. तो लेट्स अज्यूम दैट द ऑथर इज़ द नारेटर. और ये बताता है कितनी हार्डशिप्स होती हैं जो कि लोगों को फेस करनी होती है, स्पेशली जो ओल्ड वंस होते हैं आपके घर में, क्योंकि वो अलोन हो जाते हैं, लोग अपने आप में बिजी हो जाते हैं. तो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड. और फिर भी इनकी ग्रैंड मदर कितनी पेशेंटली बिहेव करती हैं, सब कुछ रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस के साथ जो है वो सिचुएशन को डील करती हैं. तो दैट इज़ व्हाट इज़ सेड इन द स्टोरी डिस्क्राइब्ड एक्चुअली. लेट्स सी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Of course, सबकी grandmother कैसी होती हैं, एक old woman होती हैं, तो इनकी grandmother भी क्या थी, एक old woman थी.
इनकी ग्रैंडमदर भी क्या थी, एक ओल्ड वुमन थी ऑफ कोर्स. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर. और क्या ना, जिस 20 साल से मैं अपनी ग्रैंड मदर को जान रहा हूँ, ये तब से क्या है, उतनी ही ओल्ड है, उतनी रिंकल्ड है, उतनी झुर्रियाँ हैं इनके स्किन पे. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. और लोग कहा करते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कभी तो यंग और प्रिटी हुआ करती थी, बट इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव. मेरे लिए ये मानना इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ तब से ये ऐसे ही हैं. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. और जो मेरे ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट है, उनका जो फोटो है, वो भी जो फायर प्लेस है उसके ऊपर हैंग है ड्रॉइंग रूम में. पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. ही वोर अ बिग टर्बन, बहुत बड़ी सी टर्बन थी उनके फेस पे, लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उस पुराने जमाने में लोग लूज फिटेड क्लोथ्स पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. तो उनकी जो वाइट बियर्ड थी, उन्होंने पूरा नेक रीजन को जो है कवर करके रखा था. ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और कहते हैं जो मेरे ग्रैंड फादर हैं वो कुछ कम नहीं, करीब 100 साल के तो लग ही रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा नैरेटर को लग रहा था. He did not look the sort of person who would have a wife or children. और उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस टाइप के पर्सन थे जिससे कि वो लग रहे थे इतने बुढ़े कि उनके कभी बच्चे भी रहे होंगे, उनकी वाइफ भी रही होंगी. तो इट्स अनइमेजिनेबल. ही लुकड एज इफ ही कुड हैव अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन. और वो इतने बुढ़े लग रहे थे फोटो में कि बस ये लग रहा था कि उनके बहुत ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन, नाती पोते हो सकते हैं, बच्चे और वाइफ का तो कांट इमेजिन. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की बात है, अगर कोई कहता है कि वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी, तो ये तो थॉट, जो सोच है, वही अपने आप में रिवॉल्टिंग है. ऐसे लग रहा था लड़ाई कर रहा है, वो सोच ही, सोच कर ही अपने आप में डिस्टर्ब हो जा रहा था. She often told us the games which she used to play as a child. और अब हमें अक्सर बताया करती थी कि जब वो छोटा बच्चा थी तो वो कैसे गेम्स खेला करती थी. But that seems quite absurd and undignified on her part. अब एक कोई है जो आपके सामने बहुत सिंसियर है, आपके लिए बहुत रेस्पेक्टेड है, और वो बताए कैसे वो मतलब फन गेम प्ले करता था, तो वो कह रहे नारेटर कि मेरे लिए ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर है उसको सूट ही नहीं कर रहा था, और बहुत अनडिग्निफाइड, अपसर्ड, बहुत अजीब और बहुत अनरिस्पेक्टफुल लग रहा था ऑन हर पार्ट. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबीज ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस. जैसे प्रॉफिट्स की कहानी सुनाती थी फेबीज, जो इमेजिनरी लगती थी, वैसे मुझे ये भी स्टोरी क्या लग रही थी, इमेजिनरी लग रही थी कि ग्रैंड मदर कभी यंग हुआ करती थी, कभी प्रिटी हुआ करती थी, कभी गेम्स प्ले किया करती थी. तो इट वॉज इमेजिनरी सॉर्ट ऑफ मी. शी हैड ऑलवेज बींग शॉर्ट एंड फ्लैट फैट एंड स्लाइटली बेंट. तो जब से ये देख रहे हैं तब से ग्रैंड मदर इनकी थोड़ी छोटी हुआ करती थी, है तब से, और थोड़ा सा बेंट हैं, थोड़ा झुकी हुई हैं. एंड शी हर फेस हैड अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके फेस पे हर जगह से हर जगह तक क्या थे, रिंकल्स थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. नो वी वर सर्टन दैट शी हैड बीन ऑलवेज बींग एज वी हैड सीन हर एंड वी हैड नोन हर. और ऐसा इनका मानना है कि मतलब इतने दिन से ये सेम चीज़ देख रहा है, तो ये मान लिया इन्होंने कि जैसे ये देख रहे हैं वैसे ही ये शुरू से रही हैं. Old, so terribly old that she could not have grown older and stayed at the same age for 20 years. So कह रहे हैं ओल्ड, इतनी बुढ़ी हो चुकी हैं, इतनी टेरिबली बुढ़ी हो चुकी हैं कि इससे ज़्यादा बुढ़ी वो हो ही नहीं सकती, और इसीलिए 20 साल से, पिछले 20 साल से वो क्या है, सेम है, वैसे ही हैं. She could never have been pretty. और ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि she was pretty. हाँ, she could have been beautiful. She was always beautiful, हमेशा ही वो beautiful लगती है, but pretty, oh, can't imagine. She hobbled about the house in spotless white cloth with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. तो एक हाथ उनका कमर पे होता था, क्यों, जो उनका झुका हुआ कंधा होता था उसको सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा एक हाथ कमर पे रखकर चलती थी, और जो दूसरा हाथ हुआ करता था उससे वो माला, रोजरी जो है, रोजरी क्या है, जो माला, अलग अलग टाइप की माला होते हैं जो बुढ़े लोग लेकर हमेशा जपते रहते, तो हमेशा वो माला लेकर हमेशा पढ़ती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल
पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और कह रहे हैं कि जो उनका फेस है, जो सिल्वर लॉक्स है, जो उनके वाइट हेयर्स हैं, वो हमेशा अनटाइडली इधर उधर स्कैटर्ड रहते थे. और कहाँ पर स्कैटर रहते थे, उनका जो पेल येल्लो सा वाला फेस था उस पे, जो येल्लो सा बुढ़ा हुआ सा फेस था उस पे हमेशा वो बाल जो है स्कैटर्ड रहते थे. और उनका जो लिप्स है वो हमेशा मूव करता रहता था, कुछ तो वो बोलती थी, प्रेयर्स होती थी, एंड दैट वॉज इनऑडिबल, जो कि सुनाई नहीं देता था. यस शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वॉज ब्यूटिफुल नाउ ही अग्रीज यस शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. और विंटर में जैसे लैंडस्केप लगता है, सीनरी लगती है माउंटेन एरियाज में, वैसे थी इनकी ग्रैंड मदर. कैसा होता है विंटर में माउंटेन एरियाज, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर सेरेनिटी, एकदम वाइट प्योर सेरेनिटी एक्सपेंस था पूरा, दूर दूर तक क्या था, प्योर वाइट सीनरी था, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. और इनको लगता था वो जो वाइट सीरीन सा फिगर है, क्योंकि हम वाइट साड़ी है, वाइट बाल है, तो ऑल वाइट वाइट, तो वो प्योरिटी दिखाता है ग्रैंड मदर की. और कंटेंटमेंट, कैसे वो सब कुछ फुलफिलमेंट हो चुका है, वो बहुत पीसफुल है, बहुत शांत है, बहुत कंटेंटेड है, आत्म से अपने खुश हैं, संतुष्ट हैं. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे यूज टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और इनकी ग्रैंड मदर और ये जो है वो फ्रेंड्स थे. जब इनके पेरेंट्स जो है वो सिटी में शिफ्ट हो रहे थे, तभी इनको छोड़ गए थे इनकी ग्रैंड मदर के साथ, और तब से ये दोनों लोग खुश थे, एक साथ हुआ करते थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और वो जो है मुझे मॉर्निंग में जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग अ सॉन्ग. और जो उनकी मॉर्निंग प्रेयर्स है वो मोनोटोनस एक टोन में, सेम टोन में सुबह रोज सुनाया करती थी. वाई शी बाथ एंड ड्रेस मी अप इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. और पूरे टाइम वो बोलती रहती थी, जितनी देर मुझे उठाती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी, इसलिए ताकि मुझे भी वो बाय हार्ट लर्न हो जाए. आई लिसन बिकॉज आई वुड लिसन एंड आई गेट इट. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. और वो क्यों सुनाती थी, ताकि इनको लर्न हो जाए. पर ये क्यों सुनते थे, क्योंकि इनको अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस जो है वो पसंद थी, पर कभी इन्होंने सोचा नहीं कि इसको लर्न करने की भी ज़रूरत है. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, ए टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी. सो लेती क्या कहती, इनको रेडी करने के बाद ये लेती थी इनका वुडन स्लेट जो कि वो ऑलरेडी साफ कर चुकी होती थी, एक प्लास्टर येलो चॉक ले लेती थी, एक टाइनी अर्थन इंक पॉट जो कि मिट्टी से बना हुआ था, उसमें इंक रहता था, एक रेड कलर का पेन हुआ करता था, और सब एक बंडल में बांध कर और उनको पकड़ा देती थी. गाँव का स्कूल था तो ऐसे ही जाया करते थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट वी वेंट टू स्कूल. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट चपाती, जो मोटी वाली रोटी होती थी वो बनाती थी और उसमें बटर और शुगर स्प्रेड करके देती थी, और इसके बाद ये लोग स्कूल चले जाते थे. और पुरानी जो स्टेल चपातीज होती थी, पुरानी चपातीज होती थी, वो विलेज डॉग्स के लिए लेके जाती थी ग्रैंड मदर इनके साथ. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. इनकी ग्रैंड मदर हमेशा इनके साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, तो जब तक ये पढ़ते थे वो वहाँ क्या करती थी, अपनी प्रेयर करती थी. वेन द चिल्ड्रन सैट इन द रो ऑन द आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग अल्फाबेट्स एंड स्क्रिप्चर्स, वो प्रेयर पढ़ती थी और बच्चे जो है वरांडा के किनारे किनारे बैठकर अल्फाबेट्स और अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे. तब तक इनकी ग्रैंड मदर एक कोरस टोन में आराम से बैठ के टेंपल में प्रेयर करती थी, और जब ये दोनों लोग फिनिश कर लेते थे तब एक साथ घर जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेंपल डोर. और विलेज डॉग, क्योंकि उनको खाना खिलाया रहती थी, तो वो विलेज डोर पर वेट करते थे और इनको घर तक ड्रॉप करने जाते थे. दे फॉलोड अस टू आर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग ईच अदर फॉर द चपातीज भी थ्रू. और हम चपाती फेंकते थे और एक दूसरे से वो लोग उसी चपाती के लिए लड़ा करते थे. वन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दिस सेंट फॉर अस. और ये आया टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. अभी तक सब कुछ सही था, देवर हैप्पीली सेटल्ड देयर. बट नाउ द टर्निंग पॉइंट द स्टोरी कम्स कब, जब इनके ग्रैंड मदर को बुलाया जाता है इनके साथ सिटी में. इनके पेरेंट्स सब सेटल हो गए थे
although we shared the same room, my grandmother was no longer in school with me. अब क्योंकि same room तो था पर school जो है वो अलग हो गया था. इनका English medium school था, एक bus आती थी, ये bus से जाते थे, कोई street dogs नहीं होते थे, कोई feeding, अब ये सब नहीं होता था. तो अब इनकी grandmother अभी भी selfless थोड़ा सा help कर रही है, किसको, animals की जो है फीडिंग करती थी. पर अब किस एनिमल की करती थी, अब वो बर्ड्स को फीड कर रही थी, स्पैरोज जो कोर्टयार्ड में उनके आंगन में आया करते थे. एज द ईयर रोल्ड वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब क्योंकि स्कूल जाना, स्कूल से आना और फिर शायद ट्यूशंस पढ़ते हो या जो भी था, तो ये एक दूसरे को थोड़ा सा कम अब मिलते थे. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट. और जब ये आते थे तो ये पूछती थी ग्रैंडमदर की टीचर क्या पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पर तो वो जानती थी. बट जब ये इंग्लिश वर्ड्स बताते थे और वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न एजुकेशन और लर्निंग के बारे में बताते थे प्रिंसिपल्स, क्योंकि अब वो बड़े भी हो चुके थे, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता था. नाउ शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे वर टॉट एट इंग्लिश स्कूल्स एंड वर डिस्ट्रेस्ड दैट दे वर नॉट टीचिंग अबाउट गॉड. तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, उनको ये सब, ये जो आप लोग पढ़ते हैं उनमें दादी जी को इंटरेस्ट नहीं था. दादी जी को लगा ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, और पढ़ाना क्या चाहिए, अबाउट गॉड्स, गॉड के बारे में पढ़ाना चाहिए, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए, हमारी रिलीजियस नॉलेज को बढ़ाना चाहिए. तो इनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और ये बहुत डिस्ट्रेस, बहुत सैड फील कर रही थी. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बी गिवन म्यूजिक क्लास. और एक दिन इन्होंने बता दिया कि म्यूज़िक क्लास भी दी जाती है हमें. और इससे तो दादी जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. उनके लिए टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस और बहुत चीप मीन एसोसिएशन. वो म्यूज़िक को बहुत चीप वे में रिलेट करती थी. उनको लगता था कि जो जेंटल फोक हैं, जो अच्छे लोग हैं, शहरी लोग, अच्छे लोग, घर में खानदान वाले लोग, इन लोगों के लिए ये नाच गाना नहीं बना है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. वो कुछ बोली नहीं, पर उनकी चुप्पी ही क्या थी, ना थी उनकी. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उनको मानना था कि ये जो मोनोपोली हार्लॉट्स और बेगर्स के लिए बनी हुई है. जो नाचने गाने वाले होते हैं और जो भीख मांगने वाले होते हैं, उनको म्यूज़िक सीखना ज़रूरी होता है. और उस दिन के बाद से बहुत कम बात करने लगी ग्रैंड मदर इनसे. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब स्कूल एजुकेशन ख़त्म, यूनिवर्सिटी, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. अब ये जाते थे और इनका खुद का रूम था, और जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी स्नैप हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया. कॉमन क्या था, अभी तक कॉमन रूम था, वो भी ख़त्म. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. और उन्होंने अपना अकेलापन, जो उनका अलग होना था, वो एक्सेप्ट कर लिया और रिज़ाइन कर दिया, अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन कर दिया. एंड शी नो मोर वॉन्टेड टू बी बिजी विद द बॉय. अब एकदम सेपरेट हो चुकी थी. शी रेयरली रेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. और अपना चरखा चलाती रहती थी, और शायद ही कभी वो छोड़ती थी कि किसी से बात करे. और जब छोड़ती भी थी तो वो क्या, कंटिन्यूसली प्रेयर्स रिसाइट करती थी, अपनी प्रेयर्स पढ़ा करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज व्हाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. और कुछ देर के लिए खाली बैठती थी जब वो स्पैरोज को फीड करती थी आफ्टरनून में, ब्रेड क्रम्स तोड़ तोड़ के फीड करती थी. व्हाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेड लैम्प ऑफ चिरपिंग्स. तो जब ये करती थी, लिटिल बिट्स को तोड़ तोड़ के डालती थी, तो हंड्रेड ऑफ बर्ड्स, वेरिटेबल वेराइटी ऑफ बर्ड्स जो हैं वो ट्रूप्स में आती थी, अपनी चिरपिंग चहचहाट के साथ, एक टोन होता था और उसमें चहचहाती हुई आके खाती थी. शी केम एंड पर्ज ऑन हर लेग्स एंड अदर्स ऑन हर. So some came, some sat on her legs, some on her shoulders, and they all used to feed very happily over there. Some even sat on her head and she smiled but never shooed them away. And she used to sit and smile. Kabhi unko bhagati nahi thi, she used to smile. It used to be the happiest hour of the day for her. Aur ye hi wo time tha jab wo smile karti thi, khush hoti thi. Ab ye unke din ka happiest hour hota tha. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. Aur jab ye bahar ja rahe the padhai ke liye, to unko pata tha ki inki grandmother ab jo hai wo bahut upset hone wali hai. It would be away for, I would be away for 5 years, and at her age no one could tell. मतलब कह रहे हैं कि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, और इस उम्र में कोई क्या जाने कब क्या हो जाए. बट माई ग्रैंड मदर कुड, उनकी ग्रैंड मदर बता सकती थी.
शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. उनको पता था कि वो 5 साल अभी रहेंगे, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. बहुत स्ट्रांग थी इनकी ग्रैंड मदर. सी कितने कैरेक्टर इनके ग्रैंड मदर के, जैसे जैसे लाइफ चेंज हो रहा है इनकी ग्रैंड मदर सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है. तो ये एक एक्सेप्टेंस दिखा रहा है. दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी. कैसे ये एवरी थिंग विदाउट एनी कंप्लेंट शी इज एक्सेप्टिंग एवरी थिंग. सो हियर ऑल्सो शी सेड नथिंग एंड शी इवन डिड नॉट शो एनी इमोशन टू द चाइल्ड. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Still she was doing her prayers. Her mind was lost in prayers. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Aur fingers se wo jo hai wo mala jo hai bar bar wo mala chala rahi thi. Silently she kissed my forehead and when I left cherished the moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब वो जाने टाइम वो आती है उनके फोरहेड पे किस करती हैं और इनको लगता है कि अब ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है हमारे बीच जब हम मिल रहे हैं. ऐसा इनको लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था. ऐसा इनको लगा क्योंकि अब 5 साल के लिए जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था. 5 साल के बाद ये वापस आए और ग्रैंड मदर इनसे स्टेशन पर मिलने आए. शी वॉज स्टिल अलाइव. शी डोंट लुक अ डे ओल्डर. और अभी भी वो वैसी ही इतनी बिल्कुल बुढ़ी नहीं लग रही थी. सब बताया ना, वो इतनी बुढ़ी हो चुकी थी कि और बुढ़ी हो ही नहीं रही थी. शी स्टिल हैड नो वर्ड, नो टाइम फॉर वर्ड्स. बिल्कुल नहीं बोल रही थी. अभी भी अपने प्रेयर्स जो है वो करती जा रही थी. इवन और अ फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल. और इनके आने से कुछ नहीं बदला. जो पहला दिन था इनके आने का, तब भी इनके दिन का सबसे खुशी वाला टाइम क्या था, जब वो स्पैरोज को फीड कर रही थी. होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रेबोक्स. तो और ये आज लेकिन जो स्पैरोज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फीड कर रही थी और थोड़ा हैप्पीली रिब्यूक्स के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रही थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. और शाम के टाइम कुछ तो चेंज आया. इस बार वो प्रे नहीं की और विमेंस जो थी नेबर उठ के उनको बुलाकर और ओल्ड ड्रम ले ली और गाने लगी. तबला सॉरी ढोलक सॉर्ट ऑफ. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ब द सैगिंग ऑफ स्किन ऑफ द डायलैपिडेटेड ड्रम. जो वो ड्रम हुआ करता था जिसका जो स्किन है वो निकला हुआ होता था, उसको बहुत देर तक ये बजाती रह गई. और वो जो घर आते हैं वीर जवान वो वाला गाना गा रही थी, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. वी हैड टू परसॉड हर टू स्टॉप अवॉइडिंग ओवर स्ट्रेनिंग. और उनको बार बार रोकना पड़ा था कि आप ओवर स्ट्रेस मत लीजिए, बस करिए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम शी आई एवर नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और जब से ये उनको जानते हैं तब से ये पहली बार था जब इन्होंने ये प्रे नहीं कर रही थी, सब कुछ छोड़ दी थी. नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और अगली सुबह वो बीमार हो गई. थोड़ा सा बहुत माइल्ड सा फीवर था और डॉक्टर ने कहा कि वो चला जाएगा. बट ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड मदर को कुछ अलग सोच रहा था क्या. शी टोल्ड हर दैट इट वॉज एंड हर एंड वॉज नियर. और अब वो जल्दी ही जाने वाली हैं. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स वॉज लेफ्ट बिफोर अ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ. और उन्होंने कहा क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं मेरे आखिरी चैप्टर लाइफ के जो है वो ख़त्म होने से पहले. तो शी हैड ओमिटेड टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम टॉकिंग टू एनी वन. सो नाउ शी हैड, अभी तक तो उन्होंने प्रे, अब किसी को भी वो बात नहीं करने वाली है. सबको छोड़ छाड़ के वो थोड़ी देर शांति से रहना चाहती. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी ले पेसफुली. और क्योंकि कुछ ही घंटे बचे थे इसलिए प्रेयर बंद करके गाना बजाना कर ली. बट अब नहीं, अब वो लास्ट आवर्स जब उनकी ज़िंदगी के बचे हैं तो वो प्रे करना चाहती थी. और इन्होंने मना किया इन लोगों ने, बट कुछ नहीं, वो शांति से बैठ के अपने बेड पे अपनी बीड्स जो है वो पढ़ रही थी, माला जो है जप रही थी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड. और सब कुछ वैसे ही था. किसी के सस्पेक्ट कि कोई किसी के पता चलने से पहले उनके जो लिप्स हैं वो क्या हो गए, बंद हो गए. द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. और जो फिंगर चल रही थी वो लाइफलेस हो गई और उससे जो उनकी माला थी रोजरी थी वो नीचे गिर गई. अ पीसफुल पेल और पीसफुल येलो कलर उनके फेस पे स्प्रेड हो गया. वी न्यू शी वॉज डेड एंड नाउ शी वॉज डेड फाइनली एज शी सेड. वी लिफ्टेड ऑफ हर बेड एंड इस कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड. और जैसा कि कस्टम है हमारा, उसको उनको ग्राउंड पर लेटा कर उनको कवर किया. कुछ घंटे सब लोग रोए. वी लेफ्ट हर अनोन टू मेक अरेंजमेंट. उस रोने धोने के बाद कुछ घंटे बाद वो गए सब लोग तैयारी करने. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. और फिर एक स्ट्रेचर लेकर गए जिसपे वो लेटा कर उनको जलाने के लिए ले जाते. द सन वॉज सेटिंग एंड हर लिट हर रूम एंड द वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट.
और धूप जो है वो ख़त्म हो रही थी और पूरा गोल्डन लाइट फैला हुआ था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम ऑल ओवर द वरांडा एंड हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड स्टिफ रैप्ड इन अ रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो ले स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. नाउ जो वरांडा था से लेकर जो कोर्टयार्ड था और जहाँ पर उनकी बॉडी थी वहाँ पे कुछ हज़ारों स्पैरोज जो है वो आकर उनके चारों ओर बैठ गई. कोई चिरप्स नहीं थी, हर बार आती थी तो चहचहाट की आवाज़ रहती थी पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था. दे फेस्ट सम ब्रेड फॉर वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर ब्रॉड सम ब्रेड बट दे डेंट ईट. We threw it to them. The sparrows took no notice of the birds. See, animals are birds and animals also have that heart. They could also feel. और वो लोग वो bread नहीं खाए. When we carried my mother's corpse off, they flew away quietly. और जब वो dead body लेकर चले गए तो वो sparrows भी क्या है चुपचाप उड़ गए. Next morning, the sweeper swept away the bread crumbs into the dustbin. और अगली सुबह तक वो bread crumbs वैसे ही पड़े थे और sweeper ने bread crumbs को क्या किया dustbin में स्वीप कर दिया. दिस वॉज द स्टोरी. दिस आर द वर्ड मीनिंग्स. यू कैन पॉज एंड राइट. यू कैन सी ऑल द वर्ड मीनिंग्स आर देयर. दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स. मेंशन द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर. ऑफ कोर्स यू हैव सीन. दैट्स ऑल. वी हैव सीन द क्वेश्चन आंसर समरी. एवरीथिंग वी हैव सीन. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. द चैप्टर वॉज अ बिट इमोशनल. इफ यू फेल्ट इट प्रॉपरली दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू. Have a good day.